प्रेसिडेंसी राइट ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी, बिम्स्टेक सदस्य देशों से आए सभी मेरे साथी वरिष्ठ लीडर्स, सबसे पहले तो मैं चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी और सफल आयोजन के लिए नेपाल सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि मेरे लिए यह पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, लेकिन 2016 में मुझे गोवा में ब्रिक्स समिट के साथ बिम्स्टेक रिट्रीट होस्ट करने का अवसर मिला। गोवा में हमने जो एजेंडा फॉर एक्शन ए फॉर ए तय किया था, उसके अनुरूप हमारी ब्रिक्स ने प्रशंसनीय फॉलोअप एक्शन लिया है। अब उसमें प्रमुख जो बातें शामिल हैं, पहली वार्षिक बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का आयोजन, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की दो मुलाकातें, बिम्स्टेक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर चर्चा में प्रगति, बिम्स्टेक ग्रीन इंटरकनेक्शन के विषय पर समझौता, और इसके लिए मैं सभी देशों के डेलीगेशंस का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक्सलेंसी, हम सभी देश सदियों से सभ्यता, इतिहास, कला, भाषा, खानपान और हमारे साझा संस्कृति के अटूट बंधनों से जुड़े हुए। इस क्षेत्र के एक और महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है और दूसरी ओर हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच थी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का यह क्षेत्र हम सभी के विकास, सुरक्षा और प्रगति के लिए विशेष महत्व रखता है, और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट दोनों नीतियों का संगम इसी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होता है। एक्सलेंसी, हम सभी विकासशील देश हैं, अपने अपने देशों में शांति, समृद्धि और खुशहाली ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में यह काम कोई अकेले नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे के साथ चलना है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अवसर है कनेक्टिविटी का, ट्रेड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। सभी आयामों पर हमें काम करना होगा। बिम्स्टेक में कोस्टल शिपिंग और मोटर व्हीकल समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए हम भविष्य में भी मुलाकात की मेजबानी कर सकते। हमारे एंटरप्रेन्योर्स के बीच संपर्क और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव होस्ट करने के लिए तैयार है, और हम भली बात ही जानते हैं कि स्टार्टअप का युग और हमारी युवा पीढ़ी का उत्साह, इसकी अपनी एक ताकत है, हम उसको बल दे सकते हैं मिलकर। हम सभी देश अधिकांश कृषि प्रधान और क्लाइमेट चेंज की आशंकाओं से लगातार जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में कृषि अनुसंधान और शिक्षा और विकास पर सहयोग के लिए भारत क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम के लिए विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत अपने नेशनल नॉलेज नेटवर्क श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में बढ़ाने के लिए उसके लिए पहल के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम इसे म्यांमार और थाईलैंड में भी बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी बिम्स्टेक देश इस वर्ष अक्टूबर में
नई दिल्ली में आयोजित की जा रही इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भागीदार होंगे। इस कांग्रेस में बिम्स्टेक मिनिस्टरियल कॉन्क्लेव भी शामिल है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ